इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 125 सीसी कम्यूटर बाइक सेगमेंट में होंडा एसपी 125 एंड हीरो ग्लैमर एक्सटेक दो बहुत ही पॉपुलर बाइक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दो बाइक के बीच आप कौन सा बाइक अपने लिए चूज करेंगे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन दो बाइक का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करूंगा एंड मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में बताएं इन दो बाइक में से कौन सा बाइक आपको अच्छा लगता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अमिताभ। सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इन दो बाइक का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करूंगा। होंडा एसपी 125 में BS6 कंप्लायंट 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। ये इंजन 7500 आरपीएम में मैक्सिमम 10.72 बीएचपी पावर एंड 6000 आरपीएम में मैक्सिमम 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इस इंजन में होंडा की PGM-FI यानी पुग्राउंड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, और दोस्तों इस इंजन में ESP यानी एनहांस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के चलते ये बाइक बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होता है। इस बाइक में आपको 1/4 पैटर्न का 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलेगा और इस बाइक में किक स्टार्ट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। दूसरी तरफ हीरो ग्लैमर एक्सटेक में BS6 कंप्लायंट 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। इस इंजन का मैक्सिमम पावर है 10.73 bhp एट 7500 rpm एंड मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर एट 6000 rpm। इस बाइक में हीरो की एक्सेंस FI सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। किक स्टार्ट का ऑप्शन भी इस बाइक में आपको मिलेगा, और दोस्तों 1/4 पैटर्न वाला 5 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक में दिया गया है। इस पॉइंट पे देखें तो दोस्तों दोनों बाइक का इंजन पावर एंड टॉर्क लगभग सेम है, और दोस्तों दोनों बाइक का इंजन ही फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। लेकिन मैं पर्सनली दोनों बाइक को ही चला के देखा हूँ और मेरे हिसाब से होंडा एसपी 125 का इंजन ज़्यादा स्मूथ है, और इस बाइक का यूजर्स की ओपिनियन के हिसाब से ये बाइक ज़्यादा माइलेज भी प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करूँगा ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। होंडा एसपी 125 एंड हीरो ग्लैमर एक्सटेक दोनों बाइक ही डिस्क एंड ड्रम वेरिएंट में अवेलेबल है। दोनों बाइक की ड्रम वेरिएंट का फ्रंट व्हील में 130 mm डायमीटर का ड्रम ब्रेक विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। डिस्क वेरिएंट का फ्रंट व्हील में ट्विन पिस्टन कैलिपर वाला 240 mm डायमीटर का डिस्क ब्रेक विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है। दोनों बाइक का रियर व्हील में मिलेगा 130 mm डायमीटर का ड्रम ब्रेक। इस पॉइंट पे देखें तो दोनों बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेम एंड सस्पेंशन को लेकर। होंडा एसपी 125 का फ्रंट साइड में 33 mm डायमीटर वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, और इस बाइक में डायमंड टाइप फ्रेम का यूज हुआ है, और दोस्तों इस बाइक का रियर साइड में बॉक्स टाइप स्प्रिंग आर्म दिया गया है। इस बाइक का रियर साइड में मिलेगा 5 स्ट्रिप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन। दूसरी तरफ हीरो ग्लैमर एक्सटेक का फ्रंट साइड में 120 mm ट्रेवल लेंथ के साथ 33 mm डायमीटर वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, और इस बाइक में भी डायमंड टाइप फ्रेम दिया जाता है, और इस बाइक का रियर साइड में राउंड टाइप स्विंग आर्म मिलेगा। और दोस्तों इस बाइक का रियर साइड में भी 5 स्ट्रिप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन मिलेगा, जिसका व्हील ट्रेवल लेंथ है 81 mm। इस पॉइंट पे देखें तो दोनों बाइक का फ्रेम एंड सस्पेंशन लगभग सेम है, कुछ खास चेंजेस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट, व्हील बेस एंड कर्व विड्थ की बात करें तो होंडा एसपी 125 का ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm। इस बाइक का व्हील बेस है 1285 mm। इस बाइक का सीट हाइट है 790 mm एंड कर्व विड्थ है 117 kg। दूसरी तरफ हीरो ग्लैमर एक्सटेक का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। व्हील बेस है 1273 mm। इस बाइक का सीट हाइट है 793 mm एंड कर्व वेट है 123 kg। इस पॉइंट पे देखें तो होंडा एसपी 125 काफ़ी लाइट वेट बाइक है। दोनों बाइक का सीट हाइट में बस 3 mm का डिफरेंस है। हीरो ग्लैमर एक्सटेक का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है एंड होंडा एसपी 125 का व्हील बेस ज़्यादा है। अब लुक्स की तरफ देखें तो दोनों बाइक ही कम्यूटर बाइक है। होंडा एसपी 125 में DC ऑपरेटेड फुल्ली LED हेडलाइट यूनिट मिलेगा, और इस बाइक में 10 वाट का बल्ब टाइप टर्न इंडिकेटर्स एंड 5x21 वाट का बल्ब टाइप टेल लाइट दिया जाता है। हीरो ग्लैमर एक्सटेक में 2 LED DRL के साथ फुल्ली LED हेडलाइट मिलेगा, और दोस्तों ये हेडलाइट भी फुल DC में ऑपरेट होता है। इस बाइक में भी 10 वाट का बल्ब टाइप टर्न इंडिकेटर्स एंड 5x21 वाट का बल्ब टाइप टेल लाइट मिलेगा।
होंडा एसपी 125 में 11 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर मेटल फ्यूल टैंक दिया गया है और हीरो ग्लैमर एक्सटेक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर और दोस्तों ये फ्यूल टैंक भी फुल्ली मेटल से बनाया गया है। होंडा एसपी 125 में यू टाइप हैंडल बार के साथ प्रीमियम क्वालिटी का स्विच कंसोल मिलेगा। राइट साइड में एक ही स्विच में इंजन ग्रिल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिलेगा। लेफ्ट साइड में एक ही स्विच में पास बीम, हाई बीम, लो बीम स्विच मिलेगा और नीचे की तरफ इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न स्विच दिया गया है। दूसरी तरफ हीरो ग्लैमर एक्सटेक में यू टाइप हैंडल बार के साथ स्टैंडर्ड रोडी का स्विच कंसोल दिया जाता है। राइट साइड स्विच कंसोल में I3S ऑन ऑफ स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिलेगा। लेफ्ट साइड स्विच कंसोल में मिलेगा पास बीम स्विच, हाई लो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न स्विच। सीट की तरफ देखें तो होंडा एसपी 125 एंड हीरो ग्लैमर एक्सटेक दोनों बाइक में ही स्टेप टाइप सिंगल सीट मिलेगा। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल को लेकर। होंडा एसपी 125 में व्हाइट बैकलीट वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज माइलेज, सर्विस रिमाइंडर के साथ साथ हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर एंड टर्न लाइट इंडिकेटर मिलेगा। दूसरी तरफ हीरो ग्लैमर एक्सटेक में ब्लूटूथ कनेक्टेड फुल्ली LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, डेट, सर्विस रिमाइंडर, ट्विन ट्रिप मीटर, एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, एवरेज माइलेज स्टेटस के साथ साथ साइड स्टर्न इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, I3S इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर मिलेगा। इसके अलावा ब्लूटूथ के जरिए हीरो कनेक्ट ऐप से इस बाइक को कनेक्ट करने के बाद आप इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन को देख पाएंगे। इस पॉइंट पे देखें तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ही एडवांस्ड है। अब व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो होंडा एसपी 125 का फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील्स में ही 80x100 साइज का जेपर टाइप ट्यूबलेस टायर दिया गया है और इस बाइक का दोनों रिम 18 इंच डायमीटर वाला अलॉय रिम है। दूसरी तरफ हीरो ग्लैमर एक्सटेक का फ्रंट व्हील में जेपर टाइप 80x100 साइज का ट्यूबलेस टायर एंड रियर व्हील में 100x80 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और दोस्तों इस बाइक का दोनों रिम ही 18 इंच डायमीटर वाला अलॉय रिम है। इस पॉइंट पे देखें तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक का रियर व्हील टायर ज़्यादा वाइड है। अब प्राइसिंग की बात करें तो होंडा एसपी 125 ड्रम वेरिएंट का अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस है 93,000 रुपीस एंड डिस्क वेरिएंट का अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस है 98,000 रुपीस। हीरो ग्लैमर एक्सटेक ड्रम वेरिएंट का अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस है 95,000 रुपीस एंड डिस्क वेरिएंट का अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस है 1,00,000 रुपीस। मतलब दोस्तों दोनों बाइक के प्राइस में बस 2-3 हज़ार रुपीस का फर्क है। अब मुझे पर्सनली होंडा एसपी 125 का लुक्स अच्छा लगता है लेकिन फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के चलते मुझे लगता है कि हीरो ग्लैमर एक्सटेक अच्छा है। आपको कौन सा बाइक अच्छा लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, राइड सेफ, जय हिंद।